चंडीगढ़ पंजाब दे दिता गया। सिख चंडीगढ़ लैके किसी वेले भी खालिस्तान बना सकते हैं। पूरे भारत में 70 के करीब अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। सिर्फ आसाम में 34 बागी तंजीमें हैं जो 162 अजला पर मुकम्मल कंट्रोल रखती हैं। आसाम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड बागी तहरीकों का मरकज समझे जाते हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी अलहदगी पसंद ग्रुप सरगर्म है। जेड़े लोग बिना किसी दुश्मनी दे, बिना किसी गल ते, क्योंकि कोई बंदा उन्होंने वांगू दाड़ी और केस नहीं रखता, इस करके बजावा गोलियां दे छक्के दे जांदे आ ते मासूम लोगों को कतल करके सिट देंदे आ। यही नहीं, वो लोग जेड़ा भी कोई उन्होंने विरोध करता, चाहे वह दाड़ी केस वाला भी क्यों ना हो, चाहे वह सिख भी क्यों ना हो, जेड़ा उन्होंने इन्हों मनसूबे नाल सहमत नहीं होंदा, उस हरेक नूं गोली दा निशाना बना रहे आ। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, बर्चा कमांडोज, यूनाइटेड लिबरेशन मलेशिया, मुस्लिम टाइगर फोर्स, आदम सेना, गोरखा टाइगर फोर्स और पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल, आर्म ट्राइबल वॉलंटियर फोर्स, मुक्ति कमांडोज, बंगाले रेजिमेंट काबिले जिक्र तंजीमें हैं। इन रियासतों में तालीमी, अवामी और फलाही इदारों का वजूद ना होने के बराबर है। पसमानदगी का दौर दौरा है, सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का राज है। जरा सी सूरत हाल कशीदा हो, फौज सारा नज्म व नस्क अपने हाथ में ले लेती है। इन तमाम रियासतों में भारत ने काला कानून आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर नाफिज किया है। इस कानून के तहत एक आम सिपाही को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी को भी गद्दार करार देकर कत्ल कर दे। इस कानून का भयानक अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय फौज खून की होली खेल रही है, इमलाक जला रही है, खातीन से ज्यादती कर रही है। ये सूरत हाल यूं ही जारी रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब भारत का इन रियासतों को अपने साथ रखना मुमकिन ना रहेगा और इंडियन यूनियन के हिस्से बकरे हो जाएंगे। महज संगीनियों के जोर पर आजादी की इन तहरीकों को कब तक दबाया जाता रहेगा?